नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यस के नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अमेरिका में गन लाइसेंस की क्या प्रक्रिया है और आम आदमी को गन कैसे मिलता है और अमेरिका में गन रखने के उम्र क्या है और वहां के हथियार खरीदने बेचने के नियम क्या है। तो दोस्तों, अंत तक हमारे इस वीडियो पर बने रहें और हमारे इस वीडियो पर आप यदि नए हैं तो यस के नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। तो चलिए शुरू करते हैं। दो साल पहले वेलेंटाइन डे की एक शाम अमेरिका में फ्लोरिडा प्रांत की एक हाई स्कूल में निष्कासित छात्र ने राइफल से अंधाधुंध गोलाबारी की, जिसमें कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई थी और 15 अन्य लोग घायल भी हो गए थे। 14 फरवरी 2018 को हुई गोलाबारी की यह घटना अमेरिका में कोई पहली दफा नहीं थी। 2013 से 2018 के बीच अमेरिका ने 291 ऐसी विभत्स दुर्घटनाएं देखी। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाओं के मद्देनजर बंदूक रखने के नियमों को सख्त बनाए जाने की मांग की जाती रही है, लेकिन गन कल्चर के समर्थकों का यह एक बड़ा तबका ऐसा है जो मानता है कि बंदूक रखने पर रोक लगाए जाने से उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। स्मॉल आर्म सर्वे 2011 के मुताबिक अमेरिका में 100 में से 88 अमेरिकी नागरिकों के पास गन है। द ब्रेडी कैंपेन टू प्रिवेंट गन वायलेंट के मुताबिक अनुमानित तौर पर अमेरिका में हर साल हजारों लोग बंदूक से मारे जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी सांसद के स्पीकर पॉल रेयान ने 2018 में अमेरिकी नागरिकों से बंदूक रखने के अधिकार को खत्म किए जाने की बात से इनकार किया था। फिलहाल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच हथियारों को खरीदने की रफ्तार बढ़ी है। अमेरिका में हिंसा की आशंका भी बनी हुई है। अमेरिका में गन कल्चर का सिरा वहां से संविधान से जाकर जुड़ता है। अमेरिका में बंदूक रखने का कानूनी आधार संविधान के दूसरे संशोधन में निहित है। बंदूकों को लेकर कानून कैसे रेगुलेट होते हैं, इस पर आइए एक नज़र डालते हैं। बंदूक रखने की उम्र क्या होती है अमेरिका में? अमेरिका में बंदूक खरीदने की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। द गन कंट्रोल एक्ट 1968 कहता है कि राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। दूसरे हथियार मसलन हैंडगन खरीदने के लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए। नियम यह कहता है कि अमेरिका में कोई राज्य आयु सीमा को बढ़ा सकता है, हालांकि उम्र घटाने की उन्हें इजाज़त नहीं है। कौन बंदूक नहीं खरीद सकते हैं अमेरिका में? अमेरिका में भगोड़े समाज के लिए उन्हें खतरा मान लिया जाए। मानसिक रूप से बीमार बंदूक नहीं खरीद सकते। नशे से संलिप्त युवाओं को भी हथियार खरीदने बेचने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा गुंडागर्दी करने वाले, 1 साल से अधिक की जेल की सजा या 2 साल से अधिक की सजा पाने वाले भी बंदूक नहीं खरीद सकते। अमेरिका फेडरल कानून के मुताबिक उन लोगों को बंदूक नहीं बेची जा सकती है जो पिछले वर्ष के भीतर अवैध नशीले पदार्थ का उपयोग करने के दोषी पाए गए हैं। इसमें मारिजुआना भी शामिल है। बेचने वालों के लिए भी है नियम। अमेरिका में सिर्फ बंदूक खरीदने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि बिक्री करने वालों के लिए नियम कानून बने हुए हैं। बंदूक बेचने वालों की आयु सीमा निर्धारित की गई है। फेडरल फायर आर्म लाइसेंस के मुताबिक बंदूक विक्रेता की उम्र 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। बंदूक का कारोबार करने के लिए निश्चित स्थान होना चाहिए। इसके बारे में स्थानीय पुलिस को जानकारी भी होनी चाहिए। बंदूक बेचने वालों को हथियारों की बिक्री का लाइसेंस तभी मिल पाएगा जब वो मानसिक स्थिति संतुलन होने का सर्टिफिकेट मुहैया कराएगा। तो दोस्तों, हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।